नमस्कार, आप देख रहे वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। जब से बिहार में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद संभाला है, तब से बिहार में हर दिन एक ना एक चौंका देने वाली खबर सामने आ रही है। जब तक नीतीश कुमार बीजेपी से अलग नहीं हुए थे, तब तक बेचैन थे और अब अलग होने के बाद भी बेचैन है। बेचैनी खत्म नहीं हो पा रही है नीतीश कुमार की। दरअसल कुछ ऐसा हुआ, 31 अगस्त को तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने पटना पहुंचकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। कयास लगाया जा रहा था कि 2013 के बाद 2022 में फिर से पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े होने वाले नीतीश कुमार को केसीआर विपक्ष का नेता घोषित कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वहीं केसीआर से जब पूछा गया कि विपक्षी एकता होने के बाद विपक्षी दलों का नेता और 2024 में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, बस सवाल पूछा ही गया था, केसीआर जब तक कुछ बोलते उससे पहले ही नीतीश कुमार अपनी कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि नीतीश के चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री का नाम सुनकर ही बेचैन हो गए नीतीश कुमार। अभी तो उन्हें 2024 में पीएम पद के चुनाव का सामना भी करना है। नीतीश अभी से इतनी बेचैनी अच्छी नहीं है। जब नीतीश कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए, तब केसीआर ने नीतीश कुमार को दो बार हाथ पकड़कर उन्हें बिठाने की कोशिश की और लगभग 3 मिनट तक केसीआर बोलते रहे, बताइए तो आप। लेकिन नीतीश बोले, अरे ये सब झूठ है, छोड़िए ना आप। मैंने साफ कह दिया कि आप हुशियार है, मैं आपसे भी हुशियार हूँ। मैंने कह दिया है, अब चलिए रे, झूठ मूठ अब इसके चक्कर में मत पड़िए। केसीआर के हाथ खींचने के बाद भी जब नीतीश नहीं रुके, तो केसीआर ने कहा, नीतीश कुमार देश के उत्तम और वरिष्ठ नेता हैं। एनडीए के खिलाफ हम सभी लोग एकजुट हैं और नेता कौन होगा ये हम सब मिलकर तय करेंगे। क्योंकि कांग्रेस पार्टी कहती है कि अरे सब सवाल काहे के लिए पूछो। देखिए ऐसा है, नहीं नहीं, सब सवाल सिंपल बात है। हालांकि कांग्रेस विपक्षी दलों के साथ खड़ी है कि नहीं, इस सवाल को केसीआर टाल गए और कहा कि जब सब लोग साथ बैठेंगे तब इस विषय पर बात होगी। उसके बाद 2024 के लिए विपक्षी दलों को एकजुट करने की कवायद में जुटे तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव से जब ये पूछा गया, हर चुनाव में थर्ड फ्रंट बनाने की बात होती है, क्या इस बार मोदी के खिलाफ विपक्षी पार्टियां एक हो सकेंगी? इस पूरे प्रक्रिया में कांग्रेस पार्टी की क्या भूमिका होगी? विपक्षी एकता में कांग्रेस पार्टी की क्या भूमिका रहेगी? राहुल गांधी क्या प्राइम मिनिस्टर के दावेदार रहेंगे? क्योंकि कांग्रेस पार्टी कहती है कि अरे सब सवाल काहे के लिए पूछो। देखिए ऐसा है, नहीं नहीं, सब सिंपल बात है। ऐसा है, हम जरूर बैठेंगे। भाजपा के जितना विरोधी दल है इस देश में, उनको सब एकजुट करने के हर संभव प्रयास हम करेंगे। अब इससे बढ़िया बात तब को क्या? इसके बाद में बैठक में सर्वानुमति से, सर्वसहमति से जो बात निकल कर आती है वो विस्तार रूप में हम आपको बताएंगे, बिकॉज बिना ब्राह्मण के कोई शादी होता ही नहीं है। इस सवाल का जवाब केसीआर देते इसके पहले ही नीतीश कुमार ने सवाल को काटते हुए कहा कि इस बार थर्ड फ्रंट नहीं बल्कि ये मेन फ्रंट बनेगा। इसके अलावा नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार पर वार करते हुए कहा कि पिछले 8 साल से विकास का कोई काम नहीं हुआ, बल्कि केंद्र की सरकार प्रचार प्रसार में लगी रही। नीतीश की इस बेचैनी को लेकर आपके मन में क्या तूफान उठ रहा है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।